हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डेविड है। वॉइस केयर के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट डिलीटर के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को मज़ीद देखने के लिए तो मैं वीडियो को ज़्यादा बात करूं उसके बारे में, पोस्ट डिलीटर के बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो के बारे में बाखबर रखा जा सके। तो दोस्तों, फोर्स डिलीटर के बारे में बात करूंगा मैं। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, राइट साइड पे आप देख सकते हैं फोर्स डिलीटर, ये नई ऑप्शन है, नया फीचर है वॉइस केयर की तरफ से। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है वॉइस फोर्स डिलीटर का मतलब है गेट रिड ऑफ एनी फाइल दैट कांट बी डिलीटेड बाई विंडो। विंडो को अगर फाइल डिलीट आपसे आपकी नहीं हो रही तो उसको भी ये डिलीट कर देगा। ऐड फोल्डर है या फाइल है, नीचे दो ऑप्शन हैं, ऐड फोल्डर और फाइल। मैं ऐड फाइल करूंगा तो आपको कोई फाइल है उसको ऐसे ओपन करें, इसको ऐड करेगा और ये क्या करेगा, अनलॉक एंड डिलीट। वो क्या करेगा, उस फाइल को इसको सेलेक्ट किया, ये क्या करेगा, अनलॉक एंड डिलीट। अनलॉक एंड डिलीट करेंगे तो ये बिल इसको अनलॉक करेगा और डिलीट कर देगा, रिमूव भी कर रिमूव वैसे करेगा, ठीक है। और डिलीट करनी हो तो वहाँ से हो सकती है, ठीक है। देखें, ये तो वैसे ही फाइल, अगर आप डिलीट करना चाहते हो आगे गलती से तो उसको रिमूव कर सकते हो, और अगर आप फोल्डर भी ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है, साथ में लिखा हुआ फोल्डर। तो अनलॉक एंड डिलीट अगर इसको सेलेक्ट करते हैं, अनलॉक एंड डिलीट करेंगे तो फिर ये क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा जो विंडो। बाद आप देख सकते हैं कि विंडो से वो फाइल फोल्डर डिलीट नहीं हो रहे होते, तो ये मसला बन जाता है आपके लिए। वॉइस केयर आपको ये सहूलत देता है तो आप उसको फोर्स डिलीट कर सकते हैं। फोर्स डिलीट का मतलब होता है आप उसको अपनी मर्ज़ी से उसको डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो के बारे में बाखबर रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें, बेल बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको खबर रह सकें और इल्म हासिल कर सकें। दोस्तों, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। शुक्रिया दोस्तों।